नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने WhatsApp के अंदर आपकी जो WhatsApp प्रोफाइल होती है, WhatsApp की DP होती है, वो किसने देखा, कितनी बार देखा, ये आप पता लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों, WhatsApp तो हम सभी यूज़ करते हैं, WhatsApp पे प्रोफाइल फ़ोटो को भी चेंज करते हैं, पर दोस्तों WhatsApp के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जहां पर हमें ये पता चल सके कि हमारी जो WhatsApp की प्रोफाइल है आखिर किस किस ने देखी और कितनी बार देखी। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से ये पता लगा पाओगे कि आपकी जो WhatsApp प्रोफाइल है, WhatsApp DP है, वो किसने देखी और कितनी बार देखी। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जानने के लिए आप बने रहें वीडियो पे, बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसके बाजू में एक घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको उसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए इसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये है वो एप्लीकेशन, तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एग्री करने के लिए बोलेगी, तो आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एक नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं अपना एक नंबर है जो कि एंटर कर देता हूँ, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। इसके बाद नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपसे ये परमिशन के लिए बोलता है, तो आपको यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट को अलाउ कर देना है। इस तरीके से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ से आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। और इसके बाद यहाँ पर जो विजिटेड दिख रहा है, यहाँ पर आपने किस किस की जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है वो देखी, यहाँ पर वो शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है राइट साइड में, तो ये है विजिटर, यानी कि किस किस ने आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देखी, तो वो आप यहाँ से पता लगा पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों ने मेरी जो WhatsApp प्रोफाइल है वो देखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन ने आपकी WhatsApp प्रोफाइल देखी, कितनी बार देखी। तो ये आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसान तरीके से पता लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए फ़िलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों, आप में से कुछ ये पूछते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहां पर होता है, तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये होता है, वीडियो का ये जो नाम लिखा हुआ होता है टाइटल, तो वीडियो के नाम पर आपको इस तरीके से टच करना है और नीचे की तरफ में आना है, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप, नीले कलर से आपको यहां पर एक लिंक देखने मिलेगी। तो जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पर टच करेंगे तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, इसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हो, बाजू में आपको एक घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो उस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।